गाइज आप लोग साइड में देख सकते हो, मुझे मेरी फेसबुक प्रोफाइल पर एड्स और नील्स का ऑप्शन मिल गया है और मैंने इसे सेटअप भी कर लिया। अगर आपको जानना है कि फेसबुक पर एड्स और नील्स का ऑप्शन कैसे मिलता है तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सो गाइज आज की डेट में कौन फेसबुक से पैसा कमाना नहीं चाहता, एड्स और रील्स के जरिए से पैसा कमाना नहीं चाहता है नहीं, हर किसी को एड्स और रील्स का ऑप्शन चाहिए जिसकी वजह से वो लोग फेसबुक पर लगे पड़े पर एड्स और रील्स का ऑप्शन नहीं मिल रहा। 10,000 फॉलोअर्स भी कंप्लीट हो गए, 20,000 फॉलोअर्स भी कंप्लीट हो गए, उसके बाद भी एड्स और रील्स का ऑप्शन नहीं मिला। तो मैं आपको पहली बात बता दूँ, फॉलोअर्स के बेसिस पे कभी भी एड्स और रील्स का ऑप्शन नहीं मिलता। अगर आपको कोई कह रहा है कि आपके 5,000 फॉलोअर्स हो जाएंगे तब जाकर के आपको एड्स और रील्स का ऑप्शन नहीं मिलेगा तो वो आपका फुद्दू काट रहा है। अगर आपके 500-600 फॉलोअर्स भी हैं तब भी आपको एड्स और रील्स का ऑप्शन मिल सकता है, तो आपको इसकी झांसे में नहीं पड़ना है। मैं बताता हूँ आपको क्या 3 गलतियाँ आपको नहीं करनी है, ऐसी मैं 3 गलतियाँ आपको बताऊँगा जो आपको नहीं करनी है। अगर आप ये 3 गलतियाँ करते रहोगे तब तक आपको एड्स और रील्स का ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो दोस्तों इस वीडियो में आप लोग एंड तक बने रहना, पर उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो। नंबर 1 गलती की बात करते हैं जो अक्सर लोग करते हैं, ओरिजिनल कंटेंट अपलोड नहीं करते। जब तक आप लोग ओरिजिनल कंटेंट अपलोड नहीं करोगे तब तक आपको एड्स और रील्स का ऑप्शन नहीं मिलेगा। कॉपी पेस्ट कंटेंट से दूर रहना है, किसी और का कंटेंट आपको यूज़ नहीं करना है, क्योंकि अगर आप किसी और का कंटेंट यूज़ करते हो और वो वायरल भी हो जाता है तो वो आपको कॉपीराइट दे देगा या फिर स्ट्राइक मार देगा, जिसकी वजह से आपकी जो फेसबुक आईडी है वो है ब्लॉक हो जाएगी और फेसबुक जो है वो आपकी आईडी को फ्रीज कर देगा। तो आपको ये गलती नहीं करनी है, कॉपी पेस्ट कंटेंट से दूर रहना है अगर आपको एड्स और रील्स का ऑप्शन चाहिए। सेकेंड की बात कर लेते हैं, आपको ज़्यादा से ज़्यादा रील्स पोस्ट करनी है। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा रील्स पोस्ट नहीं करते हो तो आपको कभी भी एड्स और रील्स का ऑप्शन नहीं मिलेगा, क्योंकि आप देख सकते हो एड्स और रील्स में लास्ट में रील्स ही आ रहा है, एड्स ऑन रील्स, तभी जाकर के आपको फेसबुक पर एड्स और रील्स का ऑप्शन मिलेगा। अगर आप रील्स पोस्ट नहीं करते हो, उस पर ध्यान नहीं देते हो तो आपको कभी भी एड्स और रील्स का ऑप्शन नहीं मिलेगा। सेकेंड मिस्टेक की बात कर लेते हैं जो मोस्टली 99% लोग करते हैं, कंसिस्टेंसी बना करके नहीं रखते। अगर आप जब तक कंसिस्टेंसी बना करके नहीं रखोगे तब तक आपको एड्स और रील्स का ऑप्शन नहीं मिलेगा। काफ़ी लोग क्या करते हैं, एक रील्स डाली फेसबुक पर, एक हफ्ते के लिए गायब हो जाते हैं, फिर एक हफ्ते बाद दूसरी रील डालते हैं। तो आपको ये गलती नहीं करनी है, कंसिस्टेंसी बना करके रखनी है और जितना हो सके आप रील पोस्ट करो। एक दिन में 3-4-5 जितनी रील्स आप डालोगे उतने ही चांसेस आपको बन जाएंगे जल्दी एड्स और रील्स मिलने के, ठीक है। तो आपको क्या करना है, कंसिस्टेंसी बना करके रखनी, कंसिस्टेंसी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब यहाँ तक आ ही गए हो तो आपको एक बोनस टिप भी दे ही देता हूँ गाइज, आपको जो है रील्स का ड्यूरेशन बहुत ही ज़्यादा कम रखना है। 15 से 30 सेकंड का आपको रील का ड्यूरेशन रखना है, आपको उससे ज़्यादा नहीं बढ़ाना है। मिनिमम 15 सेकंड और मैक्सिमम आप उसे 30 सेकंड तक ले जा सकते हो, इतने ही आपको अपने फेसबुक रील्स का ड्यूरेशन रखना है, क्योंकि और लोग उस पर ज़्यादा से ज़्यादा इंगेज हो, इसीलिए आपको उसमें यूनिकनेस लानी है, यूनिक कंटेंट उसमें डालना है, यूनिकनेस लानी है अपने कंटेंट के अंदर, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा इंगेज होंगे। ज़्यादा से ज़्यादा लोग रुकेंगे तो उस पर ऑडियंस रिटेंशन बढ़ेगा और जितना ऑडियंस रिटेंशन बनेगा रील्स के वायरल होने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे, और रील्स जब तक आपकी वायरल हो जाएगी तो आपको तुरंत ही एड्स और रील्स का ऑप्शन मिल जाएगा। तो आपको ये गलती नहीं करनी है, ठीक है। ये 3 गलतियाँ आपको सुधारनी है, मैं ये 3 गलतियाँ आपको बता दी है। आई होप इस वीडियो से आपको काफ़ी ज़्यादा कुछ सीखने को मिला होगा। इस वीडियो को हम यही करते हैं एंड, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।